अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ओके विद एवरीथिंग। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले आता है साइंस। साइंस के जो फादर हैं, सबसे पहले साइंस के फादर कौन हैं? गैलीलियो। ये साइंस के फादर हैं। अब साइंस जो है वो साइंटा वर्ड से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है ये साइंटा, सॉरी लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है साइंटा, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। देन अभी साइंस जो वर्ड है ये 18th सेंचुरी में दो हिस्सों में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसका पहला था फिजिकल साइंस, दूसरा था बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल का मतलब था नॉन लिविंग थिंग्स और बायोलॉजिकल का मतलब था लिविंग थिंग्स। अब फिजिकल और बायोलॉजिकल के आगे जब ब्रांचेस आई, जब 19th सेंचुरी आई तो इनकी भी ब्रांचेस हो गई। इसमें क्या हो गई? केमिस्ट्री। इसमें नॉन लिविंग में वो चीज़ें हो गई जो लिविंग थिंग नहीं होती, यानी नॉन लिविंग थिंग होती है, वो उनमें आ गई केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, एस्ट्रोनॉमी, इटीसी, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और इसमें लिविंग में हो गई बायोलॉजी और इटीसी, और भी वो सब्जेक्ट जो लिविंग, मतलब जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं वो इसमें आ गए। देन अभी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देन अभी आता है इंट्रोडक्शन। देन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन, ETC। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स थॉट्स एंड रीजनिंग। इसका लोगोस का मतलब स्टडी भी होता है, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। एंड थस बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ। देखें यहाँ पे आ गया स्टडी अबाउट लाइफ। अब आता है बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है नेचुरल साइंस यानी कुदरती साइंस की। इसको हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, लेकिन यहाँ पे नेचुरल साइंस दिया हुआ है। विच डील्स विद द स्टडी अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और नॉलेज हासिल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप की, उनकी साइज की, उनकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर यानी बनावट की ही उनकी। उसके बाद आता है जो बायोलॉजी का वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड बायोस से निकला है, जिसका मतलब है लिविंग, और दूसरा वर्ड जो है वो लॉगोस, जिसका मतलब है थॉट्स और रीजनिंग। इसको थॉट्स यानी सोच, रीजनिंग यानी वजह, और इसका तीसरा मतलब होता है स्टडी, लॉगोस मीन स्टडी भी होता है। अभी इसलिए बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट लाइफ यानी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। देन ये जो है ये स्किप कर देते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अभी सबसे आता है डिविजन्स और ब्रांचेस में, सबसे पहले फ़र्क बताती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये ट्री है, ये ट्री है, देन यहाँ पे इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं।
अब ये जो है फॉर एग्जांपल ये है बायोलॉजी, अब ये जो है मोटी मोटी जो होती हैं ये इनके आ गए डिविजन्स, डिविजन्स की तरह होती हैं। फिर देन इनकी जो तनियां होती हैं इनको हम कहेंगे ब्रांचेस। ऐसी मिसाल है इनकी, इनमें फ़र्क की है। डिविजन्स जो होती है वो बड़ी, जो बड़ी शाख होती है उनको कहते हैं, और ब्रांचेस यानी छोटी छोटी शाखें। अब डिविजन्स में आता है सबसे पहले जोलॉजी। जोलॉजी, द वर्ड जोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जू। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से निकला है जिसको कहते हैं जू, और जिसका मतलब है एनिमल्स, यानी लॉगोस मीन स्टडी और नॉलेज, यानी स्टडी और नॉलेज, यानी इसमें हम जोलॉजी में हम द स्टडी अबाउट एनिमल्स, यानी एनिमल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकिंग फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बुटेन, यानी ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं बुटेन, और बुटेन का मतलब होता है प्लांट्स, और लॉगोस मीन्स वही स्टडी और नॉलेज, इसका मतलब है इट्स डील विद स्टडी अबाउट प्लांट्स, यानी इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। इट्स डील विद स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया ETC विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो हम अपनी आम आंख के ज़रिए नहीं देख सकते, जो हम ओनली माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आ जाता है बैक्टीरिया, सेल भी इसी में ही आ जाता है, फिर बस यही होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी।